नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। नीतीश कुमार की पीएम दावेदारी पर फिलहाल तो स्टे लग गया है। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में चौथी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और गठबंधन का चेहरा तय नहीं हो पाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा जरूर हुई, जिसका प्रस्ताव ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने दिया। नीतीश कुमार की पीएम दावेदारी पर इस वक्त ग्रहण लग गया, चूंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उनके समकक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़के का नाम आगे बढ़ाया था। इस बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सी वोटर सर्वे में जब यह पूछा गया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में चेहरा किसे बनाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिया। दूसरे नंबर पर भी चौंकाने वाला नाम अरविंद केजरीवाल का, और इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर रहे। चौथे नंबर की बात करें तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोगों ने गठबंधन में चेहरे के तौर पर चौथे स्थान पर पसंद किया। इस ग्राफिक्स के जरिए अब देखिए कि लोगों से पूछा गया कि 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन का चेहरा किसे बनना चाहिए, तो 34% लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, 13% लोगों ने कहा कि इन्हें चेहरा होना चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें तीसरे नंबर पर, और केवल 10% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को चेहरा होना चाहिए। वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर ममता बनर्जी, जिनको लेकर के सिर्फ 9% लोगों ने कहा कि विपक्ष में ममता बनर्जी का चेहरा होना चाहिए, और वहीं 34% लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। अब इसी वोटर सर्वे से ये आंकड़ा निकल करके सामने आया। सर्वे में हालांकि 543 लोकसभा सीटों पर, आपको ये भी जानकारी दे दें कि 13,115 लोगों से बात की गई। सर्वे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच किया गया है। इसे मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 5 के बीच रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्षी गठबंधन अपने तमाम मुद्दों और एजेंडों को लेकर आखिर कब जनता के बीच जाएगी, क्योंकि जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी, साझा रणनीति जैसे मुद्दे पर खुलकर बात नहीं होगी, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार जोर देते रहे हैं। चौथी बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में इस पर विस्तार से बात की थी और सीट शेयरिंग पर जोर दिया था। हालांकि अब देखना होगा कि इस मुद्दे को विपक्ष कब तक सुलझा पाता है और आने वाले दिनों में इस पर आखिर कब तक औपचारिक रूप से चुनाव में जाने का विपक्षी पार्टियां ऐलान करती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।